नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड। ये हमारा रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है जो कि हमने बाय किया था टू गुड की वेबसाइट से, और ये स्मार्टफोन है वन प्लस 5T। तो चलिए आज हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि 100-0 होने में पबजी प्ले में कितना बैकअप ये आपको देता है जब आप फुल बैटरी चार्ज करके आप इसमें पबजी खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इसकी बैटरी परसेंटेज कितनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 100% बैटरी ऊपर पूरी शो हो रही है और टाइमिंग है 2:08। तो चलिए अभी हम पबजी ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितना पबजी में ये बैटरी बैकअप आपको देगा। तो गाइज पबजी ऑन हो गई है और आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि हम कौन सी सेटिंग पर खेल रहे हैं। तो ये रही सेटिंग्स, आप सेटिंग्स में ग्राफिक्स एक बार देख लीजिए। स्मूथ और एक्सट्रीम पर हम खेलने वाले हैं इस पूरे गेम प्ले को, और साथ ही में आप ब्राइटनेस हम इसकी रखेंगे हाफ पर जिससे कि हमें देखने में कोई दिक्कत ना हो। और हम इसकी ब्राइटनेस फुल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फुल ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हाफ ब्राइटनेस पर खेल रहे हैं। 100% बैटरी चार्ज है यहाँ पर, आप देख सकते हो 100% बैटरी चार्ज है। 2:10 पर हो चुके हैं, 2:08 पे हमने फ़ोन ऑन किया था, पबजी ओपन की थी। तो गाइस चलिए अभी हम आपसे सीधा लास्ट में मिलेंगे, हम गेम प्ले कर लेते हैं और आपको लास्ट में बताते हैं कि कितना बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन ने हमें दिया, 100-0 होने में कितना टाइम लगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 0-100 चार्जिंग स्पीड कितनी है इस फ़ोन की और कितने देर में ये 0-100 चार्ज होता है एक डुप्लीकेटेड चार्जर के साथ। तो चलिए सीधा हम गेम रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप अभी देख सकते हो, ये देख लीजिए 11% बैटरी इसकी बची हुई है अभी तक। आपको थोड़ा क्लोज में बता देता हूँ, आप देख सकते हो 11% बैटरी जो है वो अभी बची हुई है। 5:01 हो गए हैं बट 11% बैटरी भी नहीं बचती अगर मैंने फ़ोन को चार्ज नहीं लगाया होता। एक्चुअली मैं गेम खेल रहा था तो गेम इतनी अच्छी जा रही थी कि मुझे फ़ोन चार्जिंग लगाना पड़ा। तो अभी जस्ट 10 मिनट ही हुए हैं मैंने फ़ोन को चार्ज लगाए हुए, तो ये 11% बैटरी इसकी बची हुई है। 2:08 पे हमने शुरू किया था 100 से और 5 बजने से पहले 100% से 0 हो गया। तो गाइज़ ये मुझे उम्मीद नहीं थी इस फ़ोन से क्योंकि जब नया नया आया था तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा था, 4 घंटे 2 मिनट का बैटरी बैकअप था। लेकिन अभी आप देख सकते हो मैंने ये एक साथ में घड़ी पे स्टॉप वॉच चला रखा था, तो आप देख सकते हो ये ऊपर 2 घंटे 46 मिनट एंड 32 सेकेंड इतने घंटे ये फ़ोन चला है 100 से 0 होने में। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है जब हम एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। 1+5T मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा गेमर्स के लिए क्योंकि 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल कम है। इसका आपका फ़ोन ख़राब ही होगा और ज़्यादा और सही नहीं होगा, बैटरी में और प्रॉब्लम आ जाएगी इसके बाद। तो मैं तो अभी इस फ़ोन को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, मैं खुद इसको अभी रिटर्न करने की सोच रहा हूँ। अभी गाइज आपको नेक्स्ट साथ ही में वीडियो मिलेगी 0-100 चार्ज होने में कितना टाइम लगता है डुप्लीकेट चार्जर के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदने से पहले सोच समझ कर ही फ़ोन को खरीदें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।